इस धरती पर। मैं तो किसानों और गरीबों का मसीहा हूँ, पर ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। सोनीपत और नोल्था में 2 सालों से गोदाम तैयारी का काम चल रहा था, मतलब तीनों कृषि कानून का ड्राफ्ट पहले अडानी के दफ्तर में तैयार हुआ, फिर हमारे चौकीदार के साथ मिली भगत कर उसे कृषि कानून का ड्राफ्ट बनाकर पकड़ा दिया चल संसद में पास कराकर। अध्यादेश आया जून में, कानून बना अक्टूबर में और अडानी के गोदाम 1 साल पहले से ही बनकर तैयार हो रहे हैं। अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े स्टील के टैंक बनाए जाते हैं जिसे साइलो स्टोरेज कहते हैं। साइलो स्टोरेज एक विशाल स्टील ढांचा होता है जिसमें थोक सामग्री भंडारित की जा सकती है। इसमें कई विशाल बेलनाकार टैंक होते हैं। नमी और तापमान से अप्रभावित होने के कारण इसमें अनाज लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। साइलो के नवीनतम रूप में रेलवे साइडिंग के जरिए बड़ी मात्रा में अनाज को चढ़ाया और उतारा जा सकता है। आपको जो विजुअल्स मैं दिखाने जा रहा हूँ वो अडानी ग्रुप के कंपनी का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे अनाज गोडाउन बनाया जा रहा है उसकी है। बहुत छुप छुप के वीडियोस ले रहे हैं क्योंकि सारे लोग उनके फैले हुए हैं, किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिएगा मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको। इससे भंडारण और परिवहन के दौरान होने वाले अनाज के नुकसान में काफी कमी आती है, मतलब किसानों से फसल खरीद कर लंबे समय तक जमाखोरी के जरिए पैसा कमाने का प्लान हो रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि नया किसान बिल किसानों के लिए नहीं, मोदी के आकाओं के हित में बनाया गया है। जागो देशवासी, जागो।